Hello everyone, welcome to our KCS digital class. Now we are going to our topic. आज हम देखेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पार्ट पाँच. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पार्ट पाँच. ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें हमें? कैसे बने विद्वान. ओके, क्या लिखा है हमारे पार्ट पाँच में? कैसे बने विद्वान, है ना? विद्वान मीन्स एक बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, एक ज्ञाता. कैसे बने, तो हम आज इस पार्ट में उसे सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट पाँच. क्या दिया हुआ है इसे हम पढ़ेंगे. बहुत पुराने दिनों की बात है, मतलब बहुत पहले समय की बात है. ठीक है ना, मतलब तब की बात आपको बताई जा रही है इसमें. भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था. किसका पुत्र था? भारद्वाज ऋषि, ठीक है ना, का एक पुत्र था. उसका नाम था यवकृत. क्या नाम था उसका? यवकृत. ठीक है, यवकृत विद्या ग्रहण करने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था. अब जो यवकृत था उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में, विद्या मीन्स मतलब पढ़ना, है ना, पढ़ना लिखना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर अपना ध्यान नहीं देता था. ठीक है, पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता था. उसने अनुभव किया कि इसी कारण उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है. अब जो यवकृत है उसका पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, है ना. तो फिर उसके बाद उसने मतलब फील किया, उसने ये अनुभव किया कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, इसी वजह से कोई भी मेरा मान सम्मान नहीं करता, मेरा आदर नहीं करता. ठीक है ना, अन्य ऋषि पुत्र कहीं जाते तो लोग उनका यथेष्ट मान सम्मान किया करते थे. और वो ये सोच रहे कि जब दूसरे ऋषि पुत्र, है ना, जो ऋषियों के जो पुत्र हैं वो कहीं भी जाते थे तो उनका लोग यथेष्ट मीन्स उनका बहुत ज़्यादा, है ना, क्या करते थे? मान सम्मान करते थे, आदर सत्कार करते थे, लेकिन मेरा नहीं करते हैं, है ना. क्यों करते थे उनका वो मान सम्मान? क्योंकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे, है ना. क्यों करते थे वो? क्योंकि वो विद्वान बन गए थे, वो ज्ञाता बन गए थे, है ना, वो बुद्धिमान थे, इसलिए उनका मान सम्मान किया जाता था. ये देख यवकृत ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प कर लिया. और ये सारी चीज़ें ही उसने सोच करके, यही सारी चीज़ें उसने देख करके कि भाई सब जो ऋषि पुत्र हैं उन सबका लोग मान सम्मान करते हैं, क्योंकि उनने पढ़ाई लिखाई करके कैसे बन गए, वो विद्वान बन गए थे. तो अब मुझे भी पढ़ना लिखना है और मुझे भी विद्वान बनना है, ताकि लोग मेरा भी मान सम्मान करें. ठीक है ना, और वो ये संकल्प लेता है कि अब मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा और मैं भी विद्वान बनूँगा. ठीक है, प्रारंभ में तो यवकृत ने उत्साह से पढ़ना शुरू किया. अब स्टार्टिंग में जो यवकृत है उसने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जोश के साथ पढ़ना शुरू किया. ठीक है ना, परंतु कुछ समय बाद ही वह ऊबने लगा. लेकिन कुछ समय पश्चात ही, कुछ समय के बाद ही वो कैसा हो गया? ऊबने लगा, मतलब वो उसको आलस आने लगा, उसको सब सारी चीज़ें कैसी लगने लगी? बोर लगने लगी, है ना. हाँ, वह यह अवश्य चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा में भाग ले और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें, है ना. लेकिन वो मतलब वो नहीं पढ़ने के साथ साथ वो बोर तो हो गया था, लेकिन वो ये चाहता था कि वो भी सभा में जाकर के बैठे, वहाँ पर वो शास्त्र जो चर्चाएं होती हैं उनमें वो भाग ले, है ना, वो भी अपनी उसमें अपनी भी राय दे और लोग उसकी इस विद्वता में, उसकी इस बुद्धिमानी के लिए उसको उसकी लोग क्या करें? प्रशंसा करें, है ना. लेकिन ये कैसे संभव था? लेकिन ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि वो तो पढ़ता ही नहीं था ना. तो उसे एक युक्ति सूझी. अब उसने एक योजना बनाई, है ना, एक युक्ति सूझी उसे. उसको क्या आइडिया आया, तो चलिए देखते हैं. वह तपस्या से इंद्र को प्रसन्न कर विद्वान बनने का स्वप्न देखने लगा. अब उसे क्या आइडिया आया था? उसने ये सोचा था कि क्यों ना मैं इंद्रदेव की तपस्या करता हूँ और फिर मैं विद्वान बन जाऊँगा, है ना, वो ऐसा सोचने लगा था. ठीक है, उसकी और फिर उसने वही किया. उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हुए और बोले. और जब उसने कठोर तपस्या की तो उसकी तपस्या के बाद इंद्र वहाँ प्रकट हुए और उसे बोले, वत्स वर मांगो. क्या कहा उनने? वत्स वर मांगो मीन्स अपना वरदान मांगो. क्या चाहते हो? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, है ना. और उन्होंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपना वरदान मांगो. यवकृत की खुशी का ठिकाना ना रहा. उसने कहा,
कहा, देव आप वर दीजिए कि मुझे पूर्वजों की सभी विधाएं आ जाएं। अब जो यकृत थे वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि वो यही चाहता था, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर उसने कहा इंद्रदेव से कि देव आप मुझे वरदान दीजिए कि जो पूर्वजों की जो सभी विधाएं हैं, है ना, जो भी उनकी जो भी शिक्षा है, जो भी पढ़ाई है, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मुझे आने लगे, है ना। इंद्र ने कहा, वत्स, बिना कठिन परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। अब जो इंद्र है वो उसे क्या कहते हैं, यकृत को क्या कहते हैं कि तुम बिना परिश्रम, मतलब बिना मेहनत किए और बिना अध्ययन, बिना पढ़े लिखे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और परिश्रम पूर्वक अध्ययन द्वारा विद्या ग्रहण करो। और उसको देव क्या बोलते हैं कि तुम कहीं किसी गुरु के पास जाओ, सद्गुरु के पास जाओ किसी आश्रम में, और वहाँ जा कर के अपनी मेहनत के साथ अध्ययन को प्राप्त करो, ठीक है ना। अध्ययन के साथ अध्ययन करके विद्या प्राप्त करो। पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म के परिश्रम से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। अब वो क्या कहते हैं देव उनको कि तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के, मतलब पिछले जन्मों के जो संस्कार थे उससे और इस जन्म की तुम्हारी मेहनत से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर इंद्र अंतार्धन हो गए, है ना। मतलब ये कहकर जो इंद्र हैं वो अंतर्धान हो गए, मीन्स वहाँ से ओझल हो गए, वो वहाँ से चले गए, ठीक है। यवकृत उनकी बात सुनकर निराश नहीं हुआ। अब जो यवकृत था वो उनकी बात सुनकर के निराश नहीं हुआ, है ना। उसने सोचा कि इंद्रदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब जब इंद्रदेव उसको ये सारी चीज़ें कह करके चलेगा तो यवकृत को, मतलब वो निराश नहीं था, वो ये सोचा कि शायद इंद्रदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, ये तो उन्होंने कह ही दिया है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि उन्होंने तो कह दिया है कि तुम्हें तो विद्या जरूर मिलेगी। मैं पुनः उनका आह्वान करूँगा, वह भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात भी कही थी। और वो क्या कहता है कि अब उन्होंने तो मुझे बोल दिया कि मुझे ज़रूर विद्या मिलेगी, तो मतलब मुझे ज़रूर मिलेगी, मैं उनका दोबारा से उनके लिए तपस्या करूँगा, मैं उनको दोबारा फिर से बुलाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन वो ये भूल गया था कि इंद्र ने क्या कहा था कि आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तब आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। वह इतना तो सुन ही चुका था कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसने पुनः घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्र देवता उसके हट और नासमझी पर हैरान थे। उन्होंने यवकृत को समझाने की तरकीब सोच ली। अब जब जो यवकृत है वो ये जानता था कि तपस्या से हम सारी, मतलब घोर तपस्या करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना, तो उसने दोबारा से तपस्या करना शुरू की और इंद्रदेव को उसने आह्वान किया, ठीक है ना। लेकिन जो इंद्रदेव थे वो उसके उसकी ज़िद, है ना, और नासमझी पर वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने उसको समझाने के लिए एक योजना बनाई, है ना, एक तरकीब सोची। तो चलिए क्या तरकीब सोची देखते हैं हम उसे। तो देखिए, एक दिन यवकृत गंगा स्नान के लिए जा रहा था। अब एक दिन यवकृत कहाँ जा रहा था, गंगा स्नान के लिए जा रहा था, ठीक, मतलब नहाने के लिए जा रहा था। गंगा तट पर एक वृद्ध मुट्ठी में रेत उठा उठा कर गंगा में डाल रहा था। और वहीं पर वो क्या देखता है कि जो गंगा तट है वहाँ पर एक वृद्ध बैठे हुए हैं, है ना, एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी में रेत लेकर के उस नदी में डाल रहे हैं, है ना। उसे देख यवकृत को आश्चर्य हुआ। पास जाकर उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जैसे ही यवकृत की उन पर नजर जाती है तो यकृत ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मतलब मुट्ठी में रेत लेकर क्यों डाल रहा है इस नदी में, ठीक है। तो फिर उनको जाकर के पूछता भी है कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध है उसको कोई भी जवाब नहीं देते हैं। यकृत ने पुनः जोर से पूछा, वो अगेन उनको पूछ रहा है। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बेटा नदी पार करने वालों को बड़ा कष्ट होता है, सोचता हूँ यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकें, इसलिए नदी में रेत डाल रहा हूँ। अब जो यकृत है जब उसने दोबारा पूछा तो उस वृद्ध ने अपना आंसर दिया कि ये जो नदी है इसको पार करने में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं इस नदी पर एक पुल बना देता हूँ जिससे कि लोग यहाँ पर आसानी से आ जा सकें, है ना, इसलिए मैं नदी में क्या कर रहा हूँ, रेत डाल रहा हूँ, ठीक है। वृद्ध की बात सुनकर यकृत ढाका
लगाकर हंसा। अब जो यकृत है वो वृद्ध की बात सुनकर के बहुत तेज हंसने लगा। ठीक है, वह बोला, भला इस तरह मुट्ठी भर रेत डालने से क्या इतनी विशाल नदी पर पुल बन जाएगा? अब यकृत क्या कहता है कि इतनी बड़ी नदी में आपकी मुट्ठी भर रेत डालने से पुल बन जाएगा क्या, है ना? तो इतना सुनना था कि इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अब वो जो वृद्ध थे वो कौन थे? वो इंद्र थे, है ना। बस उन्हें इतना सुना और वो अपने असली रूप में आ गए। यकृत उन्हें देखकर चकित रह गया। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बन जाएगा? जब तुम परिश्रम पूर्वक अध्ययन किए बिना पूर्वजों की विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बिना किसी सामग्री के गंगा पर पुल ही क्या बांध भी बना सकता हूँ। अब जो इंद्र हैं उन्होंने क्या मतलब, वो जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें बोली तो इंद्र अपने असली रूप में आ गए। फिर उन्होंने उसको बोला, यकृत को बोला कि क्यों नहीं बनेगा, जब तुम बिना मेहनत किए अध्ययन किए आप अपने पूर्वजों की विद्या को प्राप्त कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नदी में एक पुल नहीं बना सकता? मैं पुल क्या, मैं इस पर एक बांध भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, तुम्हारी तपस्या भी तो रेत फेंकने के समान ही है। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम जो तपस्या कर रहे हो वो भी किसके समान है? रेत फेंकने के समान ही है, है ना। अब यकृत की समझ में आ गया है कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना ऐसा ही है, है ना। मतलब अब यकृत समझ चुका था कि मैं जो सोच रहा था कि मैं बिना पढ़े सब कुछ कर सकूं, मतलब मुझे विद्या मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, है ना। जैसे गंगा में बालू डालकर उस पर पुल बनाने की आशा करना, और मतलब वो वैसा ही है जैसे कि आप एक गंगा नदी में रेत को डाल करके उस पर पुल बनाने की आशा करते हो। यकृत ने इंद्र के चरण पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं मन लगाकर विद्या ग्रहण करूँगा। और फिर यकृत जो है उसने इंद्र को मतलब क्षमा मांगते हुए उसको बोला, उसने ये निर्णय किया है ना कि मैं अब मन लगा करके विद्या को ग्रहण करूँगा। अत्यंत परिश्रम और लगन से यकृत थोड़े समय में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। और कुछ समय पश्चात ही मतलब बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक परिश्रम करने के बाद अपनी मेहनत के साथ अपनी लगन के साथ यकृत ने थोड़े ही समय में सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया और वो सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, एक बार आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे फिर हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।